अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ अहमद फ्रॉम लोटस फर्नीचर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद व्लॉग्स। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं एक आउटडोर साइड पोल अम्ब्रेला के बारे में, और इसकी जो हाइट है, हाइट तकरीबन इसकी 12 से 13 फीट है और बिल्कुल डिफरेंट अम्ब्रेला है। पहले मेरे ख्याल से आपने नहीं देखी होगी पहले, क्योंकि स्टैंडर्ड अम्ब्रेला मैंने आपको दिखाई थी जो कि मार्केट में तकरीबन अवेलेबल है। ये जो अम्ब्रेला है ये आपको मार्केट में नज़र नहीं आएगी, मिलेगी भी तो बहुत ही कोई एक दो सप्लायर होंगे उनके पास, मे भी मुश्किल से आपको मिले। तो क्योंकि ये एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरा ये कि हर कोई बंदा जो है ना इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसकी जो प्राइस, अगर प्राइस को अगर देखा जाए तो प्राइस बिल्कुल इसकी जो है ना रिजनेबल है इसकी क्वालिटी के हिसाब से। इसके अंदर जो फैब्रिक भी यूज़ हुआ है वो स्टैंडर्ड अम्ब्रेला के अंदर यूज़ नहीं हुआ, फैब्रिक बहुत अच्छा है। इसके अगर हम फ्रेम की बात करें, फ्रेम क्वालिटी बहुत अच्छी है, लीवर ऑप्शन आ जाती है और हाइट एडजस्टेबल इसका देखें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। कि अभी यहाँ पे ओपन नहीं हो सकती क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, अगर ओपन करेंगे तो अभी ये डैमेज हो सकती है। अगर हम इसके नीचे से बेस की बात करें तो बेस ही इसकी अपनी नहीं लगी हुई, बेस ये स्टैंडर्ड अम्ब्रेला की लगाई हुई है। अभी इसकी जो अपनी बेस है वो ये होगी, ये 60 kg की इसकी बेस है। इसका वेट जो है अम्ब्रेला का वो यही कैरी कर सकती है। और इसके नीचे इन्होंने एक और ऑप्शन भी दी हुई है, ये जो ऑप्शन उन्होंने दी हुई है ये होती है अम्ब्रेला को आप कहीं भी मूव करना चाहते हैं 360 degree आप इसे मूव कर सकते हैं अम्ब्रेला को अपने। और इसका जो डायामीटर होगा ये स्क्वेयर शेप में अम्ब्रेला है, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द नेक्स्ट वीडियो में इसे ओपन करके भी दिखा दूंगा। स्क्वेयर शेप में अम्ब्रेला होगी और इसके जो डायामीटर है 9 feet by 9 feet इसका डायामीटर है। और आपने जो स्टैंडर्ड अम्ब्रेला है वो भी मेरी पहले मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपने देखी होगी। और जहाँ तक अम्ब्रेला की ड्यूरेबिलिटी के हवाले से मैं बात करूँ तो ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। सिर्फ आपको केयर के लिए हम इतना कहते हैं कि भाई जब आप यूज़ करें अम्ब्रेला को तो उसके बाद उठते वक्त आप क्लोज़ भी करें इसे। अगर क्लोज़ नहीं करेंगे, समटाइम आप घर पे नहीं होते हैं, पीछे से स्टॉर्म आता है, कोई भी इशू हो जाए, तो अम्ब्रेला आप कितनी भी अच्छी ले लेंगे तो उसका यही इशू आएगा कि वो फिर जब स्टॉर्म आता है उसमें प्रेशर क्रिएट होता है अम्ब्रेला में, जिसकी वजह से उसके पाइप्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, बैठे हैं अम्ब्रेला को ओपन करें और जब आप उठें तो अम्ब्रेला अपनी ज़रूर क्लोज करके जाएं। तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इसको ओपन करके भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।